कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आईबीपीएस का रिजल्ट आ गया है। बस हम क्लर्क बनने के लिए तैयार हैं। अब हमारे पास प्री मेंस की एग्जाम खत्म हो गई, हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमें एक क्वेश्चन होता है कि एलपीटी में हम कैसे क्रैक करें, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एलपीटी के लिए हम यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज सिखा रहे हैं, और एलपीटी में लिखना पढ़ना बोलना तीनों आता है अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो अब हम गुजराती की बात करें, तो आप जब गुजरात में जा रहे हो तो गुजरात में आपको कोई भी टॉपिक, जैसे गुजरात है या गांधीनगर के बारे में बताओ या नर्मदा योजना, कोई भी टॉपिक पे आपको 10 से 12 लाइन बतानी होती है, लिखनी भी होती है। इवन आपको अपना इंट्रोडक्शन भी उसी भाषा में देना हो सकता है, या फिर डिजिट्स के साथ खेलना हो सकता है। तो आपको वहाँ की ब्रांच में काम करना है तो आपको वो लैंग्वेज आनी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे किसी और के साथ कंपटीशन नहीं है, हमारी कंपटीशन खुद के साथ है। कोई और पास हो गया तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई और सीख रहा है तो उससे हमारी वो सीट नहीं लेके जा रहा। हम उस के लिए एलिजिबल हो गए हैं, हमें वो सीट मिल चुकी है। बट अब हम जब एलपीटी क्लियर नहीं करेंगे तो हमें 3 महीने का टाइम मिल जाता है, तो 3 महीने के लिए हम क्यों वेट करें, हम क्यों हमारी सैलरी 3 महीने के लिए वेट करवाएं, राइट? तो बेटर है कि हम हमारी सैलरी जल्दी शुरू कर दें। हाँ, हमें भी नहीं पता कि एलपीटी में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि एलपीटी एक बहुत बड़ा एक वाइटल रोल है उनके पास। प्री मेंस तो हमारे पास होता है, एलपीटी उनको निकालने के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है। वो चाहते हैं कि हमारे स्टेट का बच्चा अंदर आए, बैंक में जॉब करे। हर स्टेट यही चाहता है, क्योंकि अपने बच्चों को अपने बच्चे ही लाइक करता है, तो उनके पास एक क्राइटेरिया है। तो बेटर है कि हम वो स्किल के लिए हम कभी काश ना कहें कि यार हमने काश मेहनत की होती तो अच्छा होता, वो चीज़ हमारे दायरे में नहीं आती। तो इसीलिए आपकी जितनी कंपटीशन है उतनी हमारी कंपटीशन है। हमारे पास 6 साल से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट बैंकों में, सारी गवर्नमेंट बैंकों में लगे हुए, IBPS, SBI, RBI, NABARD, NAICL, इंश्योरेंस कंपनियां, जजेस, जुडिशरी, अलग अलग जगह पे हम लैंग्वेज सिखा के उनको उस लेवल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब कोरोना वायरस की वजह से हम लोग फिजिकली तो यहाँ पे आके क्लास नहीं ले सकते। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि चलो हम भी कोशिश करें और आप भी कोशिश करो। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस आपको जैसे समझ आए वैसे हम जूम मीटिंग से भी कर सकते हैं, स्काइप से भी कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि नहीं मैम हमें इस तरह से करना है, तो हम उसके लिए उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ सेटल करके आपको सिखाएंगे। चाहे आप पटना में बैठे हो, चाहे आप यूपी में बैठे हो, चाहे आप गुजरात के कोई गाँव में बैठे हो, कहीं पर भी हम आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और आपके सपने को पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे। हमारे पास आगे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उसकी भी प्रॉपर लिस्टिंग है, तो आप वहाँ के बच्चों से भी आप बात कर सकते हो। और बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस मंडे से ही शुरू कर रहे हैं। इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, दे कैन ज्वाइन। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9731921191, SSLLC कैरियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम आप यूट्यूब में भी आप हमें देख सकते हो, यूट्यूब से भी आप अपनी उसकी इंक्वायरीज ले सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड लक।